हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि RRB जूनियर इंजीनियर CBT 2 के बारे में, कि अगर किसी ने एक पोस्ट के लिए कोई एलिजिबल है तो वो CBT 2 में किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा, या फिर उसकी एलिजिबिलिटी ऑफ पोस्ट क्या रहेगी, सेपरेट कट ऑफ क्या रहेगी पोस्ट की, और पैनल क्या होता है। मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरा चैनल या वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं अगर कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको बताने वाला हूं कि CBT 1 में जो एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हुआ होगा वह CBT 2 में सब पोस्ट के लिए एलिजिबल है, पर उसे मिनिमम कट ऑफ को पार करना होगा और उस पोस्ट की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी जिसके लिए वो एलिजिबल है। और ये पोस्ट किस बेस पर होंगी, किस बेस पर कैंडिडेट ने पोस्ट प्रेफरेंस फिल किया है, और इसके अंदर पोस्ट वाइज जो कट ऑफ जा सकती है वो किसी पोस्ट के लिए कम जा सकती है, किसी पोस्ट के लिए ज़्यादा जा सकती है। ये कोई कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इस पोस्ट के लिए इतनी जाएगी, इस पोस्ट के लिए इतनी जाएगी, लेकिन मिनिमम हो सकता है कि किसी किसी जगहों पर किसी किसी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफाई पे ही कट ऑफ लगा दी जाए। जैसे जनरल के लिए 40% है तो हो सकता है कि 150 में से 60 नंबर पर ही लगा दी जाए कट ऑफ, और किसी किसी में ऐसा हो सकता है कि बहुत हाई चली जाए, जैसे कि 60%, 70% ऐसे। सेपरेट कट ऑफ का मतलब है कि हर पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उस पोस्ट के लिए सब अलग अलग कट ऑफ जाएगी। किसी की कम जा सकती है, किसी की ज़्यादा जा सकती है, किसी की मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पे, किसी की मैक्सिमम क्वालिफाई मार्क्स पे। मैक्सिमम क्वालिफाई मार्क्स का मतलब है कि किसी की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, जैसे 60% यानी कि 150 में से 90 नंबर, या 70% ऐसे जा सकती है। ये है सेपरेट कट ऑफ। और जो ये सेपरेट कट ऑफ जाएगी, कम या ज़्यादा पोस्ट वाइज जाएगी, ये जाएगी जो कैंडिडेट के मार्क्स आए होंगे, यानी कि अगर किसी शिफ्ट में ज़्यादा आए हैं तो ज़्यादा जा सकती है, अगर किसी में एवरेज आए हैं तो एवरेज कट ऑफ, अगर कम आए हैं तो कम कट ऑफ, हो सकता है कि किसी के जोन में मिनिमम क्वालिफाई पे भी सिलेक्शन हो जाए। पैनल क्या होता है? पैनल का मतलब होता है कि अगर आपने किसी जोन से फॉर्म भरा, उसमें आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या दी, आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो किस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, किस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर रहे, उस बेस पे जो RRB है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो आपकी एक पैनल बना देता है कि आप इस पैनल के अंदर आते हैं, उसको पैनल कहा जाता है। उसी से आपकी जो आगे की जॉब है वो चलती रहती है, उसी के बेस पर आप काम करते हैं। इस फोटो को आप देखिए, इसके अंदर मैंने बताया कि रिजर्वेशन किस किस टाइप से होता है। इसके अंदर OBC का 27%, SC का 15%, ST का 7.5%, और PWD और XML का जो होता है वो 10% होता है। यानी कि अगर किसी पोस्ट के लिए 100 या किसी वैकेंसी के लिए 100 बच्चे एलिजिबल हुए हैं तो उसके अंदर से 27 OBC होंगे, 15 SC होंगे, 7.5 ST होंगे, और PWD का जो परसेंटेज होगा वो 10% होगा। ऐसे करके ये प्रोसेस को फॉलो करके RRB अपने रिजर्वेशन को कंप्लीट करता है। और जो मैंने इसके अंदर आगे बताया है, वो बताया है कि जो CBT 1 और 2 में जो क्वालिफाई मार्क्स रखे गए थे और एज डिलेक्सेशन रखा गया था, वो आपके सामने है। जैसे कि UR OBC, SC ST और OBC और SC के लिए 5 साल रखा गया था, ये आप देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि अगर मैं आपके लिए कोई और वीडियो इसी टाइप की अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू।